आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सर्दियों का एक और बहुत ही चटपटा क्रिस्पी मजेदार नाश्ता, चटपटे आटा मटर क्रिस्पीज, जो आपने इससे पहले कभी नहीं खाए होंगे। एक अलग सी क्रिएटिविटी और साथ ही साथ स्वाद में ये इतना लाजवाब, घर की सिंपल से सामान से कभी भी आप इसको बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय एवरीवन, मैं हूँ पारुल, कुक विद पारुल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये मैंने ली है एक कप उबली हुई हरी मटर। हल्का सा, सिर्फ 80% के करीब मैंने मटर को उबाल लिया है, जिसे थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। सबसे पहले आप लीजिए एक ग्राइंडिंग जार, और ग्राइंडिंग जार में हम सारी हरी मटर को डाल देंगे। इसको हल्का सा हमें दरदरा क्रश करना होगा, चाहे तो जो आलू मैशर होता है उससे भी आप इसको क्रश कर सकते हैं। मिक्सी में थोड़ा जल्दी से हो जाएगा। और ये लीजिए, तो इस तरह से मैंने मोटा मोटा इसको क्रश कर लिया है। अब हम लेंगे एक बोल, बोल में हम सारी हरी मटर को निकाल लेंगे। अब मटर निकालने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ एक कप गेहूं का आटा। गेहूं का आटा जिससे हम रोज अपने रोटी पराठे बनाते हैं, सभी के घर में रहता है। सारी चीजें वो लूंगी जो आपके पास घर में हमेशा रहती हैं। साथ ही मैं इसमें डालूंगी 5 बड़े चम्मच सूजी। सूजी इसको एक तो क्रिस्पी बनाएगी, बाइंडिंग में हेल्प करेगी, इसका स्वाद बढ़ाएगी। तो लगभग 5 बड़े चम्मच के करीब हम इसमें सूजी डाल देंगे। चम्मच में ये वाली ले रही हूँ। अब इसमें हम डालेंगे इसको और भी ज्यादा हेल्दी बनाने के लिए कुछ सब्जियां। तो ये मैं डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, 2 बड़े चम्मच बारीक कटी हुई गाजर। सर्दियों में सब्जियां खूब अच्छी मिलती है, तो जरूर डालिए। साथ ही डाल रही हूँ 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 छोटी चम्मच रेड चिली फ्लेक्स, जो लुकिंग वाइज भी बढ़िया लगेंगे, खाने में बहुत ही अच्छे लगेंगे। अगर रेड चिली फ्लेक्स ना हो तो सिंपल लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। और इसको और भी ज्यादा चटपटा मजेदार बनाने के लिए मैं डाल रही हूँ 1 छोटी चम्मच चाट मसाला। आप यहाँ पर इसकी जगह आमचूर पाउडर भी यूज कर सकते हैं। 1 छोटी चम्मच जीरा पाउडर और स्वाद अनुसार नमक। फाइनली हर नाश्ते की जान बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अब इसमें हम डालेंगे इसको फाइनल बाइंडिंग और इसको बढ़िया सा टेस्ट देने के लिए 3/4 कप दही। सिंपल फ्रेश दही है घर का जमा हुआ। 3/4 कप का अर्थ होता है जो भी आपने कप लिया है उससे 1 कप से थोड़ा कम। जैसे ये पूरा 1 कप है, इससे थोड़ा कम 3/4 कप। तो सारा दही हम इसमें डाल देंगे। अब अच्छी तरीके से सभी चीजों को मिक्स करेंगे। अब ये काफी थिक है, तो मैं इसमें डाल रही हूँ 3 बड़े चम्मच के करीब पानी। तो जो ग्राइंडिंग जार में मैंने मटर पीसी थी ना, उसी में काफी मटर लगी हुई थी, तो मैंने उसी में पानी डाल दिया है। जो भी थोड़ी बहुत मटर इसमें है वो भी इसमें हम यूज कर लेंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें और इसका गाढ़ा घोल तैयार करेंगे, जैसे इडली के लिए करते हैं ना, बिल्कुल वैसी कंसिस्टेंसी का। मैंने अच्छे से बैटर को तैयार कर लिया है, सभी चीजों को मिक्स कर लिया। कितना प्यारा हरी मटर का कलर आया है, बिल्कुल हरा भरा, बहुत ही हेल्दी पौष्टिक नाश्ता। और इसकी कंसिस्टेंसी भी आपको दिखा रही हूँ, देखिए इस तरीके का गाढ़ा रखना है। तो बस मेरा लगभग 4 से 5 बड़े चम्मच के करीब पानी लगा है दही के बाद। अब इसको फ्लफी बनाने के लिए मैं यहाँ डाल रही हूँ 1/2 छोटी चम्मच खाना सोडा, यानी बेकिंग सोडा, कुकिंग सोडा। बहुत इजीली आपको किसी भी ग्रोसरी स्टोर पर मिल जाएगा और जनरली भी हम लोग के किचन में रहता ही है। अगर खाना सोडा नहीं है तो आप यहाँ पर 1 छोटी चम्मच इनो फूड सॉल्ट भी डाल सकते हैं। इसको एक्टिवेट करने के लिए मैं इस पर डाल रही हूँ जरा सा नींबू का रस 1 छोटी चम्मच के करीब। और ये देखिए किस तरह से इसमें बबल्स उठ रहे हैं और इससे अच्छा फ्लेवर भी आ जाएगा। तो बस जेंटली हम बेकिंग सोडा को एक ही डायरेक्शन में इस प्रकार मिक्स करेंगे और इसके बाद हम बैटर को बिल्कुल नहीं रखेंगे, तुरंत से हम इससे अपने क्रिस्पीज बनाएंगे। अब फ्रेंड्स, मैं एक और स्टेप करने जा रही हूँ जो बिल्कुल ऑप्शनल है। मैंने इस तरह से घर में बनाए, सबको बहुत पसंद आए। तो यदि आप लाइक करें तो इस स्टेप को फॉलो करें, वरना आप इसी तरह भी बना सकते हैं। ये मैंने लिया एक बोल, और बोल में मैं डाल रही हूँ यहाँ पर मेयोनीज। सिंपल बेज मेयोनीज होती है ना, बस वही मैंने ली है। तो लगभग 3 बड़े चम्मच के करीब मैंने ली है मेयोनीज। इसको चटपटा बनाने के लिए, एक अलग सा फ्लेवर बनाने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 1 से 2 बड़े चम्मच, आप डाल सकते हैं, रेड चिली सॉस। रेड चिली सॉस, टोमेटो केचप, पिज्जा सॉस, जो भी आप लाइक करते हैं यहाँ पर इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास शेजवान सॉस है तो आप यहाँ शेजवान सॉस भी यूज कर सकते हैं। बच्चों को लंच बॉक्स में देना है तो टोमेटो केचप डाल दीजिए, उससे बच्चों को ये इतना पसंद आता है कि बच्चे आपको नेक्स्ट डे भी बोलेंगे कि मम्मा यही रखो नाश्ते में। तो बस मेयोनीज और मैंने रेड चिली सॉस को इस तरह से मिला दिया। आज की इस रेसिपी को मैं बनाने वाली हूँ तड़का पैन में, जिससे हम दाल का तड़का लगाते हैं ना, जो सभी के घर में होता है, बस उसी से। सच मानिए, तड़का पैन में ये इतने बढ़िया क्रिस्पीज बनते हैं कि आप खाते रह जाएंगे। तो सबसे पहले हम गैस को ऑन करेंगे, फ्लेम को थोड़ा सा लो मीडियम कर देंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा ऑयल 1 छोटी चम्मच। अच्छे से तड़के पैन को आप ग्रीस कर लें, यानी चिकना कर लें। तो पैन को मैंने कर लिया है थोड़ा सा गर्म, फ्लेम बिल्कुल लो कर दी है। अब मैंने
क्योंकि काफी अच्छा गर्म हो गया है। इसमें हम डालेंगे एक बड़ा लेडल फुल बैटर। और अब आपको ये भी नहीं सोचना होगा कि अगर आपे पैन नहीं है या इडली स्टैंड नहीं है तो कैसे बनाएं। आप आसानी से तड़के पैन में प्रॉपर शेप के फूले फूले क्रिस्पीज बना सकते हैं। अब इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ हमारा रेड चिली सॉस और मेयोनीज का मिक्स, जिससे जो ये क्रिस्पीज बनेंगे अंदर से एकदम मॉइस्ट और सॉफ्ट बनेंगे। जब आप खाएंगे इन्हें ठंडा भी, तब भी ये आपको बहुत ही टेस्टी लगेंगे। होता है ना कि कोई चीज़ें ठंडी हो जाती हैं तो उसके बाद रूखी लग रही हैं, ड्राई लग रही हैं, ऐसा नहीं होगा बिल्कुल। अब थोड़ा सा बैटर हम इसके ऊपर भी डाल देंगे, इसे कवर कर देंगे, ऊपर से भी इसको कवर कर दिया। थोड़ा सा किनारों पर डाल देंगे ऑयल, बहुत थोड़ा सा, और इसको 2 मिनट लो फ्लेम पर इसी तरह से पकने देंगे। बिल्कुल बढ़िया क्रिस्प के साथ ये सिक जाएंगे। तो चलिए 1.5-2 मिनट हो गया, एक बार चेक कर लेते हैं। अब एक चम्मच की मदद से हम इसको धीरे से इस तरह पलट देंगे। सुपर, क्या कलर आया है, एकदम रोस्टेड हरा भरा ग्रीन कलर, बहुत बहुत टेस्टी। सच मानिए इस नाश्ते के आगे ना आप बर्गर भी भूल जाएंगे। बस थोड़ा सा ऑयल हम इसके साइड्स में जिसे नीचे से भी सिक जाए डाल देंगे, फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और इसी प्रकार इसको नीचे से भी सेकने देंगे। बस 1 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर, दोनों जगह से ही आपको इसको लो फ्लेम पर ही सेकना है। तो 1 मिनट हो गया है, चेक कर लेते हैं। सुपर, ये देखिए कितने बढ़िया हमारे चटपटे आटे मटर के क्रिस्पी बने हैं, लग रहा है ना एकदम बढ़िया। बस मैं आपको नीचे से भी एक बार पलट कर दिखा देती हूँ कि ये कैसा सिका है नीचे, ये देखिए। और जो ये साइड से मैं आपको दिखाती हूँ मेयोनीज जो दिख रही है ना निकलती हुई, एकदम मुंह में पानी आ जाएगा आपके, ये देखिए। तो चलिए इसे प्लेट पर निकाल लेते हैं, ये देखिए। तो बिल्कुल इसी तरह इसी में हम अब दूसरी बनाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि तड़का पैन ना हो तो किस तरह बनाएं, वो भी मैं अभी आपको बता देती हूँ। इस तरह से 1 बड़ी चम्मच आप मेयोनीज लगाएं और मेयोनीज लगा करके थोड़ा सा इसके ऊपर बैटर फैला दें। थोड़ा सा ऑयल इसके साइड पे डाल देते हैं और इसको 1 से 2 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर ढक देंगे और इस तरह सिकने देंगे। अब जैसे मैं तड़का पैन में बना रही हूँ तो आपके पास अगर इस तरीके का फ्राई पैन है तो उस पर भी आप छोटे छोटे बना सकते हैं, या फिर आपके पास छोटी कढ़ाई है जैसे मेरे पास ये वाली छोटी कढ़ाई है तो आप छोटी कढ़ाई में इसके बीच में बना सकते हैं, या फिर आप एक बड़े नॉन स्टिक पैन पर इसे पैनकेक की तरह भी बना सकते हैं, जैसे मैंने इससे पहले आपके साथ सूजी मटर के क्रिस्पी शेयर किए थे। लेकिन जब ये इस तरह आप तड़का पैन में बनाते हैं जैसे अभी मैं बना रही हूँ तो उसकी बात ही कुछ और होती है। बस इसको भी 1 चम्मच की मदद से हम धीरे से पलट देंगे। सुपर, और बिल्कुल इसी तरह हम नीचे से भी इसको 1 मिनट लो फ्लेम पर सेक लेंगे। और अब ये नीचे से भी बहुत ही अच्छी सिक गई है, मैं आपको इसको भी पलट कर दिखा देती हूँ, ये देखिए। और जो मेयोनीज इसमें से निकल रही है उसको देखिए आप, लग रही है ना एकदम यमी। अब आप इसको चाहे किसी भी चटनी सॉस यूं ही खा लें, क्योंकि इसके अंदर है जबरदस्त वाली टेस्टी मेयोनीज, तो बस इसी तरह भी आप इसको खा सकते हैं। और ये लीजिए बिल्कुल तैयार है जबरदस्त हेल्दी टेस्टी 10 मिनट वाला नाश्ता, बिल्कुल हर तरफ से सिका हुआ, एकदम फ्लफी फूला हुआ आप देख सकते हैं, ये देखिए। और ये जो मेयोनीज साइड से यहाँ से निकल रही है इसे तो देखकर ही मन कर जाएगा चटपटा, साथ में क्रीमी। इसका जो टेक्सचर कलर फ्लफीनेस आप उसी से देख सकते हैं कि किसी को भी ये खाने का मन कर जाएगा, और साथ ही साथ ये पूछने का भी कि इसको कैसे बनाया गया है। जो सर्दी की सुबह सुबह ऐसे गरम गरम क्रिस्पीज मिल जाएं तो खाकर मजा आ जाए। बहुत ही सॉफ्ट, ऊपर से एकदम क्रिस्पी क्रंची, और अंदर जब आप इसे खोलेंगे तो है इसमें मेयोनीज का जबरदस्त वाला टेस्टी सरप्राइज। और आपने देखा कि इस रेसिपी को हमने बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं बनाया है, घर के ही सिंपल से सामान से आप एक इनोवेटिव क्रिएटिव और एकदम यूनिक सी रेसिपी बना सकते हैं जो अपने स्वाद में भी बहुत बहुत लाजवाब है। बहुत बहुत टेस्टी रेसिपी है, आप इसे जरूर जरूर ट्राई करें और मुझे फीडबैक में जरूर बताएं आपको ये मेरी यूनिक और इनोवेटिव रेसिपी कैसी लगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये स्पेशल चटपटे आटा मटर क्रिस्पीज पसंद आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो फ्रेंड्स प्लीज 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 बहुत सारे लाइक कीजिए, सभी फैमिली फ्रेंड्स सोशल साइट्स पर शेयर करें, और मेरे चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसी तरह अपना प्यार टिकटॉक फेसबुक इंस्टाग्राम और हेलो सभी पर दें। सभी रेसिपीज की डिटेल्स और इंग्रेडिएंट्स आप मेरी वेबसाइट cookwithparul.com पर देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग कुक विद पारुल। जय हिंद, जय भारत।